ओनली 100 डेज एंड चेंज योर लाइफ। सो हाय गाइस, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, ओनली 100 डेज आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इन सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो मैंने YouTube छोड़ दिया, या फिर स्टडी छोड़ दी, या फिर GF के चक्कर में पड़ा। तो सबसे पहले बता देता हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए इस चैनल पर वीडियो डाले हुए। मैंने एक स्टडी छोड़ी थी, मैंने गैप दिया था, तो 25 दिन का गैप दिया था। उसके बाद मेरी रेगुलर स्टडी हो रही थी, लेकिन मैं वीडियोज नहीं डाल रहा था। इसका एक मेन रीजन यही है कि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो काफी सारी डालता था, अलग अलग स्ट्रेटेजी। उन वीडियोज के नीचे कुछ कमेंट आए थे कि भाई आप पहले आप खुद सक्सेस हो, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी वगैरह बनाना, डेली डेली वीडियो बना लेता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं है वगैरह वगैरह। तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मन भी नहीं कर रहा था। तो पिछले 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, और मेरे यूट्यूब पे भी अभी 2 महीने से कोई भी मैंने अर्निंग नहीं की है। 1 महीने से रेगुलर था स्टडी में। 100 डे का क्या प्लानिंग है? तो गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जितने भी लोग आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए एक मौका है आप अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है? आपको अपने लाइफ के सबसे बेस्ट डेज में मान सकते हो, या फिर बेस्ट डेज बना सकते हो, ठीक है? क्यों ना अपन सब मिलकर 100 डे का प्लानिंग बनाए, और 100 डे तक हम रेगुलर वही काम करते रहे जो हमें करना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज हो जाती है शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, अपने टारगेट के अलावा उन सबको बंद करना है 100 डे के लिए, और एक ही टारगेट रखना है कि आपको सिर्फ स्टडी करनी है। साथ साथ ही जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो भी सोर्स डिस्टर्ब करते हैं, उन सबको बंद करना है। हम स्टार्टिंग करते हैं कि 8-10 घंटे हमारी स्टडी हो रही है, फिर सप्ते बाद पता चल रहा है कि मतलब ये 3-4 घंटे पे आ गई है। तो इन सबको छोड़ के हम 100 डे तक अपने आप को एक कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमें ये करना है तो करना ही है। तो मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि 100 डे तक आप और मैं साथ मिलकर पढ़े। तो आप और मेरे कनेक्ट होने के 2 सोर्स है, एक तो यूट्यूब, दूसरा टेलीग्राम। बीच में लाइट चली गई थी। जो भी मैं डेली रूटीन में करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइस, 8-10 मिनट की वीडियो बनानी होती है, और 8-10 मिनट की ये पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो स्टडी अपना मेन मोटिव होगा, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप 8-10 मिनट मेरे डेली के आप अपने खराब करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ जो कि केवल 1 मिनट के अंदर अंदर होगी, यानी 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर अपना मेरा जो डेली पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो सारा आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मतलब क्या मैंने पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ी है, या कहां से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं दिन में आज का मैंने क्या क्या टारगेट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। अब बेसिकली ये मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं शॉर्ट्स क्यों बना रहा हूं, डायरेक्ट स्टडी पे फोकस करते हैं ना, इसके कुछ रीजंस बताता हूं मैं। पहला रीजन तो ये है कि आप और मैं कनेक्ट हो पाए, आप अपने आप में भी मोटिवेट हो पाओ कि इसके रेगुलर शॉर्ट्स आ रहे हैं, ये रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं। एक वीक मैं स्टडी अच्छे से जमकर करता हूं, फिर अगले वीक थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है 1-2 दिन का बीच बीच में। तो मैं सोच रहा हूं अगर 100 डे का टारगेट होगा मेरे सामने, और मेरा कमिटमेंट होगा कि मैं डेली आपके सामने शॉर्ट मैं अपलोड करने वाला हूं, फिर मेरे को ये टेंशन रहेगी कि हाँ मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरी चीज ये आ जाती है कि मैं अपने आप को मैं एक सेट करना चाहता हूं डेली शेड्यूल के अंदर कि हाँ मैं डेली में जो मैं सोच रहा हूं, जो मैंने प्लानिंग बनाई उसी हिसाब से मैं कर रहा हूं। बहुत बार होता है कि मैं प्लानिंग क्या करता हूं और डे कोई नहीं पता। तो मैं सोच रहा हूं अगर 100 डे अपने आप को एक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि हाँ मेरे को स्टडी करना 8 घंटे तो 8 घंटे करने ही करनी है, मेरे को अगर वर्कआउट करना है 1 घंटा तो वो करना ही करना है, मैं सुबह जल्दी उठना है मेरे को तो वो उठना ही उठना है, मैं अपने आप को एक परफेक्ट शेड्यूल के अंदर ढाल पाऊंगा। लास्ट और 4th पॉइंट वो तो बेसिकली होगा ही होगा, क्योंकि अपन डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आउटपुट तो 100% मिलने वाला है। तो आप बताना गाइस कैसा लगा ये मेरी प्लानिंग, और हाँ गाइस ये एक चीज मेरे को जरूर बताना कि इस अपनी जो जर्नी है 100 डे की, इसका टैग क्या रखें। तो मेरे पास कुछ टैग है, 4 टैग है मेरे पास। पहला टैग है लाइफ चेंजिंग 100 डेज, सेकंड है 100 डेज फॉर ड्रीमिंग, थर्ड है स्टडिंग 100 डेज, फोर्थ है 100 डेज फॉर गोल ये है, और 5वां सजेशन आप देना कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा टैग हो, ताकि हर वीडियो पे अपना एक फिक्स टैग बना रहे। आप टेबल पे भी लिख के चिपका दूंगा कि हाँ ये 100 डे का गोल है। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो टैग फिक्स हो जाता है वो अपना टैग बना के अपने जो टेबल पे जहाँ स्टडी करते हो अपने सामने दीवार पे चिपका दीजिए, और आपको कर लेना है कि नहीं 100 डे तो मेरे को अपनी लाइफ के लिए निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम हो बीच में, मेरे को कहीं नहीं जाना है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या कुछ मैं इसमें चेंजेस करूँ। तो फिर कल से स्टार्ट करते हैं, कल से अपनी स्टडी स्टार्ट होती है, और परसों से फिर शॉर्ट में अपलोड करूंगा फर्स्ट वाला। यही था यार इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।